हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाए और नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। सागवाड़ा पंचायत समिति में कई महीनों से सामग्री मद का भुगतान नहीं होने से आज सरपंच और मेट कारीगरों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और उप प्रधान द्वारा बार बार शिकायत करने पर आक्रोश व्यक्त किया। साथ ही सरपंच संघ ने पूर्व विधायक सुरेंद्र बामणिया पर भी उप प्रधान को सहयोग करने का आरोप लगाया। सरपंच संघ ने धरना प्रदर्शन में सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि दीपावली से पहले सामग्री मद का भुगतान नहीं होता है तो सभी पंचायतों में तालाबंदी की जाएगी और सरकार की योजनाओं का बहिष्कार किया जाएगा और पंचायत समिति पर उग्र आंदोलन किया जाएगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की रहेगी। इस संबंध में सरपंच संघ ने उपखंड अधिकारी रामचंद्र खट्टी को ज्ञापन देकर अपनी मांगों से अवगत कराया। सबसे पहले तो एकता समाचार का धन्यवाद। आज सागवाड़ा पंचायत समिति के पूरे सरपंच मिलकर सागवाड़ा पंचायत समिति में धरना प्रदर्शन किया, साथ में ही आज मेट कारीगरों का भी योगदान रहा हमारे साथ में। कई विगत दिनों से हम बार बार धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं और कई बार ज्ञापन दिया। जब हम सरपंच बने उस टाइम से अभी तक हम परेशानी हैं। जब सरपंच बने उस टाइम कोरोना आने की वजह से पंचायतों में विकास कार्य हम नहीं करा पाए और जब मौका मिला काम करने का तो उस टाइम जब हम थोड़ा बहुत हमने काम करवाया, पक्के वर्क कराए, तो 2 साल होने आ गए करीबन, अभी तक सामग्री मद का भुगतान सागवाड़ा पंचायत समिति में नहीं हो पाया है। और किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा शिकायत कर कांग्रेस के राज में ही कांग्रेस के लोगों ने विकास पंचायत समिति सागवाड़ा का नहीं होने दिया। इसमें सागवाड़ा पंचायत समिति के उप प्रधान जी खुद निजी स्वार्थ के लिए, निजी हित के लिए बार बार वो शिकायत कर रहे हैं और इनके साथ में एक अनिल पाटीदार जो भ्रष्ट ठेकेदार है, जो ब्लैकलिस्टेड हैं, वो दोनों बार बार सरपंचों को शिकायत कर ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं। और इनके साथ में हमारे एक्स विधायक कांग्रेस के सुरेंद्र जी बामणिया ने सहयोग किया और वो बार बार वहां जाके शिकायत करे, इस वजह से हमारा पेमेंट अटका हुआ है। अगर आने वाले समय में, आने वाले दिनों में अगर पेमेंट सामग्री मद का भुगतान नहीं होता है, दिवाली का सीजन आया है, छोटे मोटे व्यापारियों ने जो टेंडर के सप्लायर्स हैं इन्होंने हमको सामान दिया है तो वो आज हमारे कपड़े खींच रहे हैं। हम कई पंचायत में या पंचायत में बैठने लायक नहीं रहे और आने वाले समय में दिवाली का सीजन है, त्यौहार है, सबका त्यौहार आता है। अगर हमारा त्यौहार बिगड़ा तो हम इनका भी त्यौहार बिगाड़ देंगे। ये खुली चेतावनी दे रहा हूँ मैं और आने वाले समय में पूरी पंचायतों में ताला लगाया जाएगा और कांग्रेस सरकार की जो भी योजना है उन योजनाओं का बहिष्कार किया जाएगा। एक भी सरपंच कोई भी पंचायत नहीं खोलेगा और पंचायत समिति स्तर पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसका संपूर्ण जिम्मेदार यदि शिकायत करता रहेंगे और ये सरकार रहेगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। पंचायत राज मंत्री रमेश जी मीणा को भी हमने कई बार अवगत कराया है। हम पंचायती राज मंत्री माननीय रमेश जी मीणा साहब को भी मिल के आए हैं, इनको भी हमारी जो समस्या है वो अवगत कराई है। वहाँ पे हमारे जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम वहाँ गए थे और जिले के तमाम राजनेता हैं, इनसे हम सभी पार्टियों के राजनेता, वर्तमान विधायक राम प्रसाद जी डेंडोर, एक्स विधायक सुरेंद्र बामणिया सागवाड़ा, एक्स सांसद माननीय ताराचंद जी भगोरा साहब और वर्तमान सांसद कनकमल जी कटारा, हमने सभी नेताओं को घर घर जाकर हमने ज्ञापन दिया और इन्होंने सब ने हमें आश्वस्त किया, मगर हमारे सुरेंद्र भाई बामणिया साहब ने हमें इस लायक नहीं समझा कि हम एक जनप्रतिनिधि है और जनता ने चुने हुए जनप्रतिनिधि है और एक कोई घर पे भी अगर कोई दुश्मन आता है तो इसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता है। हम सरपंचों को गद्दार और बेईमान कहा जाता है तो ये लोग ही साथ में, ये उप प्रधान जी के साथ में ये लोग सब मिले हुए हैं। पेमेंट इसलिए अटका हुआ है, बाकी अटकता नहीं पेमेंट। और जांच टीम यहाँ आके गई, आने के बाद चलो आपने शिकायत कर दी, समझ में आता है, मानने में आता है, जांच टीम आने के बाद वहाँ जयपुर गई वापस जांच टीम और इसके पीछे वापस आप चले गए, क्या कारण है? कहीं ना कहीं आपके उसमें खोटे हमारे में नहीं है। अगर हम कहीं गलत होते और या गलत हैं, हमने गलत किया तो हम भुगतने के लिए उस चीज़ को तैयार है, हम मंजूर है। आज खुले मतलब आप पत्रकार के माध्यम से ही कहना चाह रहा हूँ, सारे सरपंच हमारे तैयार है। अगर हमने गलत किया तो हम भरने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं यार। इतना काम हो रहा है, कोई जनता देख रही है, वहाँ पे मौके पे जनता देख रही है। ऐसा तो है नहीं बिल्कुल बिना काम किए हमने भुगतान करा दिया या पैसा उठा लिया, ऐसा हो सकता है क्या? आज
आज विज्ञान इतना फास्ट हो गया है, सब जगह कौन आदमी कहाँ खड़ा क्या कर रहा सारी चीज़ें अब देख सकता है। एक मौके पे करोड़ों का काम होता है, वो क्या हम बिना काम के पैसे उठा लेंगे क्या? यूँ तो हम सशक्त मतलब यूँ कहना चाहते हैं कि अब तो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, जो भी होना वो आगे देखा जाएगा। जय हिंद जय भारत। सबसे पहले तो मैं एकता समाचार को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे अध्यक्ष जी ने जो भी आपको कहा वो बिल्कुल सही है, और वास्तव में हमारे यहाँ पर कुछ सप्लायर की लड़ाई है और राजनेताओं की लड़ाई है, उसमें हम सरपंच साथी सभी पिस रहे हैं। हम उनसे ये आग्रह करना चाहते हैं कि उनकी लड़ाई उन तक सीमित रखें और सरपंचों में न डालें, बल्कि सरपंचों पर ये थोपा है वो जनता का कहीं ना कहीं अहित हो रहा है, क्योंकि नरेगा कार्य हमारा जो पूर्व का पेमेंट बाकी है वो नहीं होगा तो हम नए कार्य नहीं करवाएंगे। अभी उदाहरण के तौर पर मेरी पंचायत में भी 80-84 लाख का कार्य स्वीकृत होकर पड़ा हुआ है, हम करने नहीं चाह रहे हैं क्योंकि सप्लायर हमको माल नहीं दे रहे, हम कहाँ से माल लाएंगे, वो हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है। इसीलिए मैं पुनः से उन नेताओं को भी आग्रह करना चाहता हूँ कि जिन्होंने शिकायत की है, मिल बैठकर हम समाधान करें और आगे न बढ़ाएं और पेमेंट कराएं, वही अपील करता हूं। जय हिंद धन्यवाद। आप आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद आभार। आज जो पूरे सागवाड़ा सरपंच संघ के द्वारा माननीय SDM साहब के नाम पे ज्ञापन दिया है, उसके संबंध में मैं कहना चाह रहा हूं कि अभी जो विगत साल भर से शिकायतें चल रही है सागवाड़ा पंचायत समिति, जो पूरे ज़िले की सबसे बड़ी पंचायत समिति है, और आज विगत एक साल से विकास ठप पड़ा हुआ है, इसकी वजह से आम ग्रामीण जन बहुत परेशान चल रहे हैं। जनता हमसे जवाब मांग रही है कि आप काम क्यों नहीं कर रहे हो, मेट कारीगर परेशान चल रहे हैं। तो मैं उन तमाम नेताओं से कहना चाह रहा हूँ, जिन नेताओं ने हमारी पंचायत समिति की शिकायतें की हैं और सरपंचों पर जो गलत आरोप लगाया गया है, इनको कहना चाह रहा हूँ कि यदि समय रहते दिवाली के पहले हमारा IPTO नहीं हुआ तो हम उस वो जनप्रतिनिधि जो जनता से सीधा 24 घंटे लगाव और जुड़ाव रखते हैं, यदि नहीं हुआ IPTO तो हम बहुत बड़ा जन आंदोलन सागवाड़ा में खड़ा करेंगे। उसकी पूरी जिम्मेदारी उन शिकायतकर्ता नेताओं की होगी और यहाँ के शासन प्रशासन की रहेगी। आपके के चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद आभार। आज उपखंड कार्यालयों में सभी सरपंच साहेब और सरपंच साहिबा, पूर्व हमारे वक्ता भाई श्री अध्यक्ष कैलाश जी रोहत, पन्नालाल जी संरक्षक और आज़ाद जी ने जो बताया कि हम साल भर से ये जो सागवाड़ा राजस्थान में केंद्र बिंदु है सागवाड़ा पंचायत समिति, जो नरेश जी पाटीदार उप प्रधान है, उनके निजी स्वार्थ के लिए जो बार बार शिकायत करते हैं, जयपुर से टीम आ जाती है, जिले की टीम आ जाती है और तुरंत जाके जयपुर जाके मंत्री जी को ये सीधे मिलते हैं। तो हम सभी सरपंच संघ माननीय पंचायती राज मंत्री रमेश जी मीणा को भी मिले थे, हमारी दुविधा जो समस्या बताई हम सरपंचों ने कि हमने कोरोना काल में जो काम किया है और आज जो हमारे मार्केट में छोटे जो व्यापारी जिसने हमने सामग्री ली है वो कपड़े खींच रहे हैं, साथ ही हमारे जो मेट कारीगर का भी भुगतान बाकी है। तो वास्तविक में पूर्व वक्ताओं का राजस्थान सरकार कांग्रेस की है और हम कांग्रेस के जो यहाँ कार्यकर्ता हैं, जो भी जनप्रतिनिधि हैं और उप प्रधान भी कांग्रेस के हाथ के पंजे के सिंबल से चुनाव जीतकर उप प्रधान बने, वो खुद ही सरकार का खड्डा खोद रहे। मैं अपोजिशन में होने के कारण भी बोल रहा हूँ कि कांग्रेस ऐसा न करे और हम जिले के जो भी हमारे ताराचंद जी भगोरा, पूर्व सांसद माननीय वर्तमान सांसद कनकमल जी कटारा पासवाड़ा डूंगरपुर, हमारे पूर्व विधायक सुरेंद्र जी बामणिया, प्रेम भाई पाटीदार, हमारे रामप्रसाद जी डेंडोर जो BTP से विधायक है वर्तमान, उनसे भी मिले। हम सरपंच एक तीसरे क्लास के मजिस्ट्रेट है, इतना पावर है, फिर भी हम हमारे भुगतान के लिए हमारे कपड़े खींचे जा रहे हैं, हम दर दर भटक रहे हैं और इनके सामने हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं और हमने ज्ञापन दिया, फिर भी हमारी सुने को अनसुना कर रहे हैं। तो ये आने वाले समय में ये खामियाजा भुगतेगा और पंचायत समिति स्तर पर और उपखंड कार्यालय के स्तर पर जन आंदोलन आक्रोश रैली निकालेगी, उसके जिम्मेदार जो शिकायतकर्ता हैं और प्रशासन रहेगा। हमने हमारे विकास अधिकारी महोदय को भी हमने ज्ञापन दिया है, हमने वहाँ धरना भी डाला। जय हिंद जय भारत। आवाज दो, हम एक हैं, हम एक हैं, सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं।